दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में हिंदुस्तान को पहला गोल्ड मेडल दिलाने वाले नीरज चोपड़ा पर पूरे देश को नाज है। ओलंपिक के इतिहास में अब तक भारत को केवल 9 स्वर्ण पदक मिले थे, लेकिन अब उन्होंने 10वां गोल्ड मेडल दिला दिया है। और दोस्तों अभिनव बिंद्रा के बाद से वे दूसरे ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक दिलाया है। नीरज ने भाला फेंक इवेंट में इतिहास रचा और एथलेटिक्स में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने। अब दोस्तों वैसे तो देश में क्रिकेटर्स के अलावा अन्य खिलाड़ियों को उतनी पहचान नहीं मिलती जितनी की मिलनी चाहिए, लेकिन नीरज चोपड़ा केवल 23 साल की उम्र में ही इतिहास रचकर सभी युवाओं के लिए प्रेरणा बन गए हैं। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं कि आखिर कौन है नीरज चोपड़ा। दोस्तों 24 दिसंबर 1997 को हरियाणा के खांद्रा गांव में नीरज चोपड़ा का जन्म हुआ था। नीरज चोपड़ा गरीब किसान परिवार से आते हैं और 11 साल की उम्र में ही नीरज मोटापे का शिकार हो गए थे। उनका वजन बढ़ता हुआ देख घर वालों ने मोटापे को कम करने के लिए नीरज को खेल कूद का सहारा लेने की सलाह दी, जिसके बाद से वो वजन कम करने के लिए पानीपत के शिवाजी स्टेडियम में जाने लगे। और दोस्तों एक आम भारतीय लड़के की तरह ही उनकी पहली पसंद भी क्रिकेट हुआ करती थी, लेकिन स्टेडियम में जेवलिन थ्रो की प्रैक्टिस करने वाले खिलाड़ियों को देखकर उनके मन में आया कि मैं तो इसको और भी ज्यादा दूर फेंक सकता हूँ। और दोस्तों यहीं से नीरज चोपड़ा के मन से क्रिकेट आउट हो गया और जेवलिन थ्रो ने एंट्री ली। और फिर सबसे पहले 2012 में एथलेटिक्स चैंपियंस में स्वर्ण पदक जीतने के बाद से नीरज ने 2016 में पोलैंड में हुए IAAF वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप में 86.48 मीटर दूर भाला फेंक कर गोल्ड मेडल जीता था। और इसी उपलब्धि की वजह से ही उन्हें जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर के तौर पर नियुक्ति मिल गई थी। अब आर्मी से जॉब मिलने के बाद से नीरज ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरे पिता एक किसान हैं और माँ एक हाउसवाइफ, और मैं एक ज्वाइंट फैमिली में रहता हूँ, और मेरे परिवार में किसी की भी सरकारी नौकरी नहीं है, इसीलिए सब मेरे लिए खुश हैं। उन्होंने कहा था कि अब मैं अपनी ट्रेनिंग जारी रखने के साथ साथ अपने परिवार की आर्थिक मदद भी कर सकता हूँ। हालांकि जॉब पाने के बाद से भी नीरज ने अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ी और आगे चलकर 2018 में इंडोनेशिया के जकार्ता में हुए एशियन गेम्स में उन्होंने 88.06 मीटर का थ्रो करके गोल्ड मेडल जीता। लेकिन दोस्तों 2018 में ही एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार परफॉर्मेंस के बाद से नीरज कंधे की चोट के शिकार हो गए और इस वजह से वो काफी वक्त तक खेल से दूर रहे थे। हालांकि दोस्तों सही समय पर वापसी करते हुए नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया और 87.58 मीटर का थ्रो करके उन्होंने भारत को पहला गोल्ड मेडल दिला दिया। और दोस्तों इस तरह से गरीब किसान परिवार में जन्मे नीरज चोपड़ा आज हम सभी के लिए एक इंस्पिरेशन बन चुके हैं।